नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। कास्टिंग काउच, जब ये शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो एक ऐसी तस्वीर दिमाग में बनती है जो चकाचौंध भरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की घिनौनी सच्चाई को बयां करती है। लेकिन आज के समय में कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्मी दुनिया और ग्लैमर वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, अब ये कॉरपोरेट सेक्टर और खेल जगत में भी अपने पांव पसार चुका है। कई दशकों से इस पर बहस चलती रही है, लेकिन इस समस्या का हल निकलता नहीं दिख रहा है। अब स्पोर्ट्स जगत में फिर एक कास्टिंग काउच का मामला सामने आया है। एक कबड्डी प्लेयर ने अपने कोच के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। ये महिला खिलाड़ी एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है। महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि पिछले 7 साल से कोच उसका शारीरिक शोषण करता आया है। दिल्ली के द्वारका के बाबा हरिदास थाने में ये केस दर्ज किया गया है। देश में जिस संख्या में रेप और अब्यूज की घटनाएं होती हैं, उसे देखते हुए भारत को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ये अपने आप में एक अफसोसजनक और चिंताजनक बात है। देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से रेप और फिजिकल अब्यूज के मामले में भी तरक्की कर रहा है। कास्टिंग काउच भी एक गंभीर समस्या है। कास्टिंग काउच के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सामान्य अर्थ में इसका मतलब यही है कि काम पाने के लिए मजबूरी में अपने देह दूसरे के हवाले कर देना और उसके कहने पर शारीरिक संबंध बना लेना। जब कभी भी किसी महिला को कास्टिंग काउच का ऑफर मिला या वो शिकार हुई, इसके बारे में तभी सच्चाई सामने आती है जब विक्टिम खुद बाहर आकर खुलासा करती है। ये बीमारी हर उस जगह है जहां कुछ प्रभावशाली लोग चीजों को मन मुताबिक तय करते हैं। अब खेल जगत से कास्टिंग काउच का एक नया मामला सामने आया है। भारत के लिए वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीत चुकी महिला कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर रेप का संगीन आरोप लगाया है। महिला खिलाड़ी ने अपने आरोप में कहा है कि उसके कोच जोगिंदर ने साल 2015 में उसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाए और फिर 2018 में एशियाई खेल में खिलाड़ी द्वारा जीती गई राशि का एक हिस्सा उसे देने के लिए मजबूर किया। महिला खिलाड़ी के अनुसार उसके कोच ने जबरदस्ती अपने बैंक अकाउंट में लगभग 43 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। साल 2021 में उसकी शादी के बाद कोच ने फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। खिलाड़ी को उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी जोगिंदर सिंह दलाल की तलाश भी जारी है। महिला खिलाड़ी के साथ हुए कास्टिंग काउच का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लगता है ना तो किसी को कानूनी कार्रवाई का खौफ है और ना ही अपनी छवि और अपने करियर के खत्म होने का डर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44। नमस्कार।